चलो हाँ, सब लोग शांति बनाए रखना। हाँ तो लास्ट क्लास में हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था बोलो? ओके चलो बेटा, तो यू नो दैट कल के क्लास में हम लोग ने पढ़ा था किसके बारे में बोलो? रियोस्टेट पढ़ा था कि नहीं? चलो आवाज को कंट्रोल करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? रियोस्टेट, बराबर है ना? ठीक है, आपको लाइट को कम ज्यादा करना है। देखो अभी डांस का प्रोग्राम रहता है और उस डांस के प्रोग्राम में झाकपुक झाकपुक लाइट गिरता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो लाइट है वो किसके कारण दिखता है बोलो? रियोस्टेट। यानी कि कुछ भी चीज को कंट्रोल करना है तो क्या यूज करना पड़ता है बोलो? ओके, तो रियोस्टेट समझ में आया। उसके बाद अभी मैं आपको और एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बताने जा रहा हूँ जो एकदम यूजफुल है। ओके, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, देखो सब लोग ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रिकल, आज मैंने सुबह के क्लास में शॉर्ट इसे वो सीरीज ये हो गया क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह हो गया क्या? उसका प्रॉब्लम हो गया ना? चलो कॉम्बिनेशन, प्लीज हियर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, बराबर है ना? सुबह के क्लास में ये आवाज नहीं चाहिए, नहीं घर तो घर पे भेज देगा। चलो सुबह के क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में बताया, बराबर है ना? उसमें हम लोग ने क्या किया था देखो, पहला चीज अभी थोड़ा सा एक रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इधर एक रेजिस्टेंस है, बराबर है, नाम क्या है? इधर दूसरा रेजिस्टेंस है, नाम क्या है? इधर तीसरा रेजिस्टेंस है, नाम क्या है? ये तीनों भी रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है बोलो? चलो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग ने इधर क्या लगाया बोलो? क्या लगाया? बैटरी का वोल्टेज बोलो, बैटरी का वोल्टेज वी, बराबर है ना? इधर क्या जनरेट हो गया पोटेंशियल बोलो? वी वन, इधर पोटेंशियल। तो ये कौन सा इक्विवेलेंट हो गया? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दिस इज द वीच इक्विवेलेंट हियर, आर इक्विवेलेंट। समझे आपको? सपोज आपको ये रेजिस्टर दिया, अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, सुनो। इधर है ना आपको एक दिया है आर इज इक्वल टू वन ओम, दूसरा दिया है R2 is equal to 2 ohm और तीसरा दिया है R3 is equal to 3 ohm। चलो equivalent value क्या आएगा बेटा? 6। R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। तो R equivalent का value बोलो कितना आएगा बोलो? R equivalent का value 1 plus 2 plus 3 is equal to 6। वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स। क्लियर हो गया बेटा? कितना ओम हो गया?
सबको क्लियर? यस सर। लफड़ा नहीं ना कुछ, ठीक है। तो ये क्या किया है? मैंने R इक्विवेलेंट के वैल्यूज फाइंड आउट करवा के दिए है। क्लियर हो गया सबको? थोड़ा सा आगे बढ़ते, ज्यादा नहीं, तो रब करता हूं अभी ये। ओके, तो ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बोलो? सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो ना, ये कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो, तो इसके बाद हम लोग अभी नया कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मीन कॉम्बिनेशन पैरेलल। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी पढ़ेंगे चलो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी के क्लास में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम लोग बात करेंगे तो आपको इसमें एक चीज समझ के लेना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये देखो, अभी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको? नाम क्या है? नाम क्या है? दूसरा रेजिस्टेंस है, नाम क्या है? दूसरा आर टू। इधर क्या है देखो बेटा, ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है देखो, सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते थे देखो, इसमें देखता, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कितना पॉइंट कॉमन हो जाता? इसमें कितना पॉइंट कॉमन है बोलो? एक पॉइंट कॉमन है। कितना पॉइंट कॉमन है? यानी कि इधर आर वन है बेटा और इधर आर टू है। आर वन है, आर टू में कितना रेजिस्टेंस कॉमन, कितना पॉइंट कॉमन है? एक पॉइंट कॉमन है। समझ में आया ना? एक पॉइंट कॉमन है। यार आप लोग ये क्या होता है, दोनों में कितना पॉइंट कॉमन है? एक पॉइंट। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा? Which combination? इन दोनों में कितना पॉइंट कॉमन है बोलो? आर वन एंड आर टू में दो, दो। कितना है बोलो? दो पॉइंट। किसमें किसमें? आर वन एंड आर टू में कितने पॉइंट कॉमन? दो। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? समझ में आया? अभी एक सामने वाले का एक हाथ पकड़ लिया तो कौन सा कॉम्बिनेशन? सामने वाले का एक हाथ पकड़ ऐसा ऊपर पकड़ूंगा नहीं यार, लोग गलत समझेंगे। एक हाथ पकड़ लिया तो कौन सा कॉम्बिनेशन? ओके, दोनों अभी दोनों हाथ पकड़ लिए तो कौन सा कॉम्बिनेशन? एक हाथ पकड़ लिया तो कौन सा कॉम्बिनेशन? और दो हाथ मेरे पकड़ लिए उसने तो कौन सा कॉम्बिनेशन? क्लियर हो गया बेटा? सीरीज और पैरेलल देखो, दो दो पॉइंट कॉमन है तो कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा बोलो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? yes, तो sir. अभी इसमें से होने वाला क्या है देखो, अभी इधर मेरा ये जो सर्किट है, सर्किट को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया? बैटरी। ये वी कौन है बेटा? वोल्टेज। ओके, वी इज अ वोल्टेज। इधर से आया कौन? आया इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर। ओके, समझ में आया? तो बेटा देखो, इसमें से करंट है, करंट बराबर है ना? करंट कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? कौन से में? आई वन एंड आई टू। इधर से कौन जाएगा? इधर से कौन जाएगा? क्लियर हो गया बेटा? तो चलो, तो दोनों भी जो करंट सेपरेट सेपरेट होता है, मगर इसमें लफड़ा क्या है देखो, इसमें वोल्टेज सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? वोल्टेज। इधर क्या सेम रहेगा? वोल्टेज। जितना वोल्टेज इधर है उतना ही वोल्टेज इधर है। तो बेटा सीरीज पैरेलल में कौन सेम रहता है, कौन अलग रहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सेम रहेगा बोलो? वोल्टेज कैसे रहने वाला है? सेम। करंट कैसे रहने वाला है?
जाता। समझ में आता ना मेरे दोनों में फर्क क्या है? क्लियर हो गया बेटा? एक बार फिर से मैं बताता हूँ इसमें फर्क क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में वोल्टेज से करंट और सीरीज में वोल्टेज से करंट डिफरेंट। ऑनलाइन वाले मेरा ध्यान आपके ऊपर है, मैं आपके साथ हूँ। वेरी गुड, ओके नाउ लेट्स। चलो तो क्लियर हो गया बेटा। अभी करंट के बारे में बातचीत करेंगे। किसके बारे में? करंट। तो टोटल करंट अभी कितना होगा बेटा, बोलो टोटल करंट कितना हो जाएगा? ये आई करंट है, बराबर है ना? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई वन प्लस आई वन। I1 प्लस I2। बेटा देखो इधर I करंट है, I करंट कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है? दो। तो I का कैसे लिखेंगे? I1 प्लस I2। I को कैसे लिखेंगे? I1 प्लस I2। लिख दिए, ठीक है। अभी ओहम्स लॉ के बारे में बातचीत करना है। किसके बारे में? ओहम्स लॉ, ठीक है। हाँ, ओहम्स लॉ पता है। चलो तो अभी ओहम्स के बारे में बातचीत करते हैं। V is equal to, what is the formula? अरे बोलो ना, V is equal to, अरे V is equal to, तो V is equal to IR, तो I1 is equal to V upon R1, V upon R1, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, ओके समझे आपको? और बेटा इधर ओनली आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, देखो ध्यान से समझ के लेना। हम लोग को होल्ड करंट को इसमें वैल्यू पुट करना है। अपना करंट कितना है देखो बेटा, काम कर ये जरा नीचे। चलो कम ऑन इंडिया, छापो। चलो लिख के लेंगे, होने के बाद डर लिखेंगे। वो इक्विवेलेंट वैल्यू रहता है, सबका वैल्यू आएगा वो इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट लिखा जाता है। ये आर क्यों लिखा है, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट होता है। जैसे सबका कॉम्बाइंड वैल्यू आर इक्विवेलेंट से डिनोट किया जाता है। Thank you.
बी अपॉन आर टू बी अपॉन आर टू क्या कैंसिल करेंगे बेटा बताओ क्या कैंसिल करेंगे दोनों में से इधर का भी कैंसिल होगा इधर इसका भी कैंसिल होगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू कम ऑन तो अभी ये वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री वन अपॉन आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे बोलो इधर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर वन कितना आएगा बोलो टू वन अपॉन आर टू कितना आएगा वन अपॉन आर थ्री कितना आएगा वन बाय सिक्स चलो बेटा अभी क्या करेंगे देखो इसका वैल्यू निकालना है आप लोग को कैसे निकालेंगे सबका एलसीएम सेम करेंगे कितना आएगा बोलो एलसीएम सिक्स आ सकता है हम लोग क्या करेंगे बोलो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बोलो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा देखो ऊपर वन इंटू थ्री टू इंटू थ्री प्लस इधर क्या हो जाएगा देखो सॉरी सिक्स नहीं आएगा ना कितना आएगा ट्वेल्व सिक्स आएगा इधर क्या हो जाएगा वन इंटू थ्री फोर इंटू थ्री प्लस वन इंटू टू प्लस सिक्स इंटू टू क्यों किया रे सबके नीचे क्या आएगा सबके नीचे क्या आएगा ट्वेल्व आएगा तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होने वाला है बोलो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सिक्स अपॉन ट्वेल्व थ्री अपॉन ट्वेल्व टू अपॉन ट्वेल्व तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सिक्स प्लस थ्री प्लस टू अपॉन ट्वेल्व कितना आएगा आंसर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाउ मच यार इसको उल्टा करके कैसे लिखेंगे इक्विवेलेंट में बोलो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समझा उल्टा किया क्यों क्योंकि आपको वन अपॉन आर इक्विवेलेंट नहीं चाहिए था आपको क्या चाहिए था आर इक्विवेलेंट
करोगे? नहीं सर। ओके ठीक है बेटा। चलो अभी कभी कभार ऐसा भी होता है लास्ट बेंच इधर देखो सबको इधर क्या है देखो रेजिस्टेंस आर वन इधर रेजिस्टेंस कितने बोलो आर टू डैश 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 इधर कितना रेजिस्टेंस बोलो आर एन टोटल रेजिस्टेंस कितना पैरेलल में आर वन आर टू आर थ्री आर फोर समझा ना ऐसे एन नंबर ऑफ है कितने नंबर ऑफ है एन यानी कि ऐसे बहुत सारे हैं अभी मैं इधर दिखा नहीं सकता इसके लिए मैंने क्या किया देखो फर्स्ट एंड बीच वाले ऐसे ही बताए और इधर आर एन बोला क्या बोला आर एन तो इस टाइम आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे आएगा बोले एकदम सिंपल है आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बोलो ये जो रेजिस्टेंस है कैसा लिखेंगे वन अपॉन आर वन ये कैसा लिखेंगे वन अपॉन आर टू इधर कैसा वन अपॉन आर थ्री डैश 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 वन अपॉन क्या लिखेंगे वन अपॉन आर एन अभी देखो सब जगह पे एडिशन का साइन है मैंने सुबह के लेक्चर में भी कहा था आप लोग ने सुना होगा तो सब जगह पे क्या है देखो समेशन का साइन है कौन सा साइन है समेशन तो वन अपॉन आर इक्वल एन के जगह पे हम लोग कैसे कर सकते हैं देखो समेशन क्या डालेंगे समेशन ये साइन ऑफ समेशन है उसमें कंटिन्यूअस एडिशन शो किया जाता है और कंटिन्यूअस प्लस शो किया जाता है क्या शो किया जाता है कंटिन्यूअस प्लस इधर देखो प्लस 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 कंटिन्यूअस है कि नहीं तो इधर क्या हो जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट तो बेटा आर इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे करेंगे देखो आर इक्विवेलेंट तो वन अपॉन क्या लिखेंगे बोलो सब जगह पे आर दिख रहा है ना रिपीटेशन हो रहा है वन अपॉन आर वन अपॉन आर वन अपॉन आर चेंज क्या हो रहा है समेशन साइन क्यों लिया है बोलो समेशन साइन क्यों लिया है ये साइन क्यों लिया है कंटिन्यूअस क्या है एडिशन है इसके लिए कौन सा साइन लिया है समेशन बराबर है अभी देखो इधर वन है इधर टू है इधर थ्री है इधर डैश 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 एन है तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे आई बिकॉज आई के जगह पे जो है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है आई के जगह पे वन का टू हो रहा है टू का थ्री हो रहा है टू का ऐसे किधर तक जा रहा है एन तक ठीक है तो आई स्टार्ट फ्रॉम किधर से बोलो आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू आई स्टार्ट एन किधर हो रहा है एन तक क्लियर हो गया बेटा एक बार फिर से मैं ये साइन क्यों ड्रॉ किया है सब जगह पे क्या है समेशन ओके वन अपॉन आर क्या है देखो इधर रिपीटेशन है तो वन अपॉन आर लिखा बराबर है ना इधर क्या आता है आई आई का स्टार्टिंग किधर से होता है वन और वो बढ़ते बढ़ते किधर तक जाता है एन तक आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समझा कैसे किया ये दिखाने के लिए ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते क्या वो रे स्टैंड अप
स्टैंड अप। जा रहे बार जा उधर खड़ा रहे लास्ट बेंच उधर जा खड़ा रहे। आगे से ऐसा कुछ हुआ ना तो बाहर भेजेगा। ओके सीधा खड़ा होके लिख ठीक है। योगे लिख के चलो वोल्टेज एंड करंट अभी देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट था। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर प्रॉब्लम्स का पेज ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। पेज नंबर कौन सा है बोलो। पेज नंबर 220 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आता है 5। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 5 है कौन इधर रीड करना पड़ेगा। थ्री रेजिस्टर्स 10 ohm 10 ohm 20 ohm एंड 30 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सी आर अभी उन्होंने क्या बोला है देखो। 3 रेजिस्टेंस है कौन सा R1 कितना है बोलो। कितना 10 ohm। R2 कितना है बेटा बोलो 20 ohm। R2 कितना है बोलो 20 ohm। R3 कितना है 30 ohm। यानी कि इधर अपने पास 3 रेजिस्टेंस है बेटा। पहला कौन है R1 10 ohm R2 20 ohm and R3 30 ohm last bench मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है कितना resistance है बोलो 10 20 30 ठीक है। हाँ बोल आगे बेटा। First find equivalent resistance of series combination। तो उन्होंने क्या बोला है ये series combination है। कैसे पहचाना दोनों के between में क्या है एक point common है तो उन्होंने equivalent resistance बोला है to find। इधर क्या बोला है देखो टू फाइंड विच रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। इसको आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ओके आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है 10। R2 कितना है 20। R3 कितना है 30। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो 10। कितना आएगा 60 ओम। समझा कितना आएगा 60 ओम। ठीक है उसके बाद उन्होंने क्या दिया बोल बेटा। When this series combination is connected to 12 volt supply by neglecting the value of internal resistance obtained potential difference across each okay. resistor. Very good. तो उन्होंने क्या बोला है देखो ये जो combination है कौन सा combination? Series combination. ये देखो question का पहला part था। अभी question का कौन सा part चालू हो रहा है दूसरा part. दूसरा part चालू हो रहा है। उन्होंने दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि इधर क्या कनेक्ट करूं उन्होंने बोला है बोलो
क्या कनेक्ट करने के लिए बोला है बेटा? बैटरी कनेक्ट करने के लिए बोला है। क्लियर? बैटरी। अभी ये बैटरी कनेक्ट करने के लिए बोला है वोल्टेज का, ओके वी वोल्टेज का बैटरी कनेक्ट करने के लिए बोला है। कितना वोल्टेज दिया है वो? हाँ, तो वी इज इक्वल टू उन्होंने क्या बोला है? 12 वोल्ट दिया है। और उन्होंने डिमांड क्या की है बोलो? By neglecting the value of internal, चलो कंसीडर करेंगे कि इधर इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं है, इधर एक स्मॉल आर आता है और वो स्मॉल आर नहीं है। बोल आगे बेटा। Obtained potential difference across each resistor. तो उन्होंने बोला है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा? V1। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा? V2। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा? V3। टू फाइंड करने के लिए बोला है। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? V1, V2, V3 and V3 फाइंड आउट करने के लिए बोला है। समझा? क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? V1, V2 and V3। तो उन्होंने हर एक के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले अभी मुझे बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का? और सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सेम रहता है? करंट सेम रहता है। अरे सर पहचानने का कैसा? डेफिनेटली इधर क्या है? V1 है, इधर V2 है, इधर V3 है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला? अलग अलग है। क्या सेम रहेगा बोलो? क्या सेम रहेगा? करंट क्या रहेगा? सेम। तो बेटा देखो इसमें से जाने वाला करंट कितना आएगा? इधर जाने वाला करंट, इधर सब करंट क्या जाएगा? बाहर कौन आएगा? अभी बच्चा लोग देखो आई का वैल्यू निकालते हैं। आई वी अपॉन आर
चलो बी का वैल्यू कितना है? ओके वी का वैल्यू कितना है बोलो बेटा, वी का वैल्यू 12, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 60, तो इधर का आएगा 12 अपॉन 60, आई इज इक्वल टू 1/5, ऐसे ही रखो। अभी हम लोग को क्या करना है देखो बेटा, V1 is equal to R1, ये देखो इधर का वोल्टेज क्या आएगा, V is equal to R1, okay, V2 is equal to क्या आएगा R2, और V3 is equal to क्या आएगा R3, अरे वैल्यू पुट करो, I का वैल्यू क्या है 1/5, R1 का वैल्यू 10 है, तो आया V1 is equal to 2 volt, 1/5, I2 का वैल्यू कितना 20, इधर क्या आएगा 1/5, R3 का वैल्यू कितना है 30, है ना? सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, दिख रहा है क्या अभी? V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। इतना आंसर 2 volt, 4 volt एंड 6 volt। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। सिक्स नंबर पॉइंट, चलो सिक्स नंबर पॉइंट की तरफ जाएंगे। सिक्स सिक्स ये रब करूं क्या सब लोग को, ऑनलाइन ऑफलाइन? एक्सप्लेन अगेन बोल रहे हैं। हाँ सुनो, इधर तक समझ में आया क्या? ए सब लोग प्लीज सीयर, ये समझ में आया क्या किया बोलो, इसमें क्या लफड़ा किया है? सबको ऐड कर दिया, क्यों ऐड कर दिया? बराबर है ना? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन? बैटरी ज्वाइन करवा के दिया है और बोला है V1 निकालो, V2 निकालो, V3 निकालो, ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं, क्वेश्चन वाले ने बोला है। तो उसके बाद आपको V1 निकालना है, V2 निकालना है और तीन चीजें निकालना है, मगर ये तीनों भी चीजें निकालने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे बोलो? वी अपॉन आर, अरे वी का वैल्यू कितना है और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 60, तो 1/5 क्या हो गया एम्पियर, 1/5 एम्पियर। और बेटा V1 के जगह पे IR1, V2 के जगह पे एंड V3 के जगह पे करंट एंड R1, तो V1 मिल गया। V2 कैसे निकालेंगे? I का वैल्यू 1/5 और V3 कैसे निकालेंगे? फोर्स राज किंग, फोर्स किंग समझ में आया क्या?
चलो अभी सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जोर कितना किसके दिमाग में है। शुरू करो क्वेश्चन नंबर सिक्स। हो जाएगा चलो सिक्स नंबर का सम करेंगे सिक्स। मिस्टर कोहली प्लीज स्टैंड अप लीड फॉर सिक्स वाला। ये सब लोग इधर ध्यान देंगे जिनका नहीं है, जो कर रहे हो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं बोलो कितना रेजिस्टर बोला है बोलो। आर वन इज इक्वल टू वन किलो ओम और दूसरा कितना दिया बोल। आर इज इक्वल टू बेटा बोलो टू किलो ओम। आर टू इज इक्वल टू टू किलो होल सॉरी ओम। ओके बराबर बोल आगे। तो इसका टू फाइंड करने के लिए बोला है टू फाइंड बीच रेजिस्टेंस बोलो। अरे टू फाइंड आर इक्विवेलेंट क्या फाइंड आउट करना है आर इक्विवेलेंट। इधर वन किलो ओम लिखा है इधर टू किलो ओम और क्या निकाला है आर इक्विवेलेंट बोलो। और क्या दिया हाँ चलो बात की बात है, पहले अपन लोग आज की बात करते हैं। ओके तो टू फाइंड करने के लिए क्या बोला है पहली बात बोलो। टू फाइंड करने के लिए क्या बोला है क्या भाई आर इक्विवेलेंट। ए सुनो सब लोग बेटा प्लीज रिक्वेस्ट यू बात मत करो डिस्टर्ब होता है क्योंकि करना है खुद से करो शांति। चलो ये आर इक्विवेलेंट निकालना है कैसे देखो बेटा आर इक्विवेलेंट निकालो। R equivalent कैसे करेंगे बोलो। वन अपॉन आर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। चल बेटा वन अपॉन आर वन क्या डालेंगे बोलो। R equivalent is equal to वन इधर क्या आएगा बोलो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन समझा आपको। चलो अभी इक्विवेलेंट का वैल्यू वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 into 2, 1 into 2, plus 1 into क्या हो जाएगा 2. चलो R equivalent के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो 1 into 2, 2 upon 2, plus 1 upon 2. R equivalent is equal to क्या हो जाएगा बोलो 2 plus 1, 3 by 2. तो equivalent value क्या आएगा बोलो 2 upon 3. उल्टा करो R equivalent is equal to 2 by 3 R equivalent is equal to 0.66 ओम किलो।
हो गया लिख के इतना इतना समझ में आया क्या ऑनलाइन वाले लोग समझ में आया इतना चलो जो भी कुछ डाउट पूछना अभी पूछो परत सांगा यस सांगता अरे देखो ना बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है ये इसके साथ कनेक्टेड है कौन सा कॉम्बिनेशन ब्लर दिख रहा है उसको मैं क्या कर सकता नहीं हूँ मगर ट्राई तो कर सकता हूँ अभी क्लियर है क्या देखो चलो आपको किसको ब्लर दिख रहा है क्लियर हो गया बेटा तो इसमें वन अपॉन वन वन अपॉन टू आएगा वन अपॉन टू के इधर टू लाना है तो ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करो टू अपॉन टू वन अपॉन टू तो थ्री अपॉन टू हो जाएगा देन R equivalent is equal to 0.66 किलो ओम आ जाएगा अच्छा चलो क्लियर ना आगे जरा बढ़ते हैं क्या बेटा चलो हाँ फोन करना हाँ बोल बेटा तो आगे कपल पर इसी क्वेश्चन का आगे का बी पॉइंट ओके ओ मिस्टर हाँ बोल अभी उन्होंने क्या बोला है कि इधर कितना सप्लाई कनेक्ट कीजिए अरे कितना सप्लाई नाइन होल नाइन होल्ड सप्लाई कनेक्ट किया और क्या पूछा उन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं है स्मॉल आर है ही नहीं है तो बोल तो फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है आई वन क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है आई टू ठीक है आपको आई वन एंड आई टू फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो बी वाला पार्ट टू फाइंड है I1 एंड दूसरा है I2 तो आपको पहला चीज I1 फाइंड आउट करना है दूसरा चीज I2 फाइंड आउट करना अभी मुझे बताओ पैरेलल में सेम क्या रहता है बोलो वोल्टेज और अलग क्या रहता है करंट अलग है यानी कि इधर I1 है इधर I2 है फर्क अभी देखो क्या सेम है बोलो इधर वोल्टेज सेम है और इसका भी वोल्टेज क्या हो जाएगा 9 वोल्ट बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है चलो तो करंट का फॉर्मूला क्या आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट करंट इज इक्वल टू V / R करंट का फॉर्मूला तो अभी देखो इधर क्या आएगा बोलो इधर क्या आएगा I1 इधर क्या आएगा V इधर क्या आएगा R1 समझा क्या लिखा आई वन वी आर वन वी का वैल्यू क्या है बोलो अरे वी का वैल्यू क्या है 9 वोल्ट और आर का वैल्यू क्या है 1 अभी देखो 1 केजी का मतलब क्या होता है 1 के ऊपर कितने जीरो 3 और 2 केजी का मतलब 2 के ऊपर कितने जीरो चलो तो क्या आएगा बोलो इधर 10^3 लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा ओके और इधर क्या आएगा 2×10^3 हुआ ओके अभी क्या हो जाएगा इधर कितना आएगा R1 के जगह पे 10^3 एम्पियर तो I1 को हम लोग कैसे लिखेंगे देखो 9 लिखेंगे और ये ऊपर आएगा तो 10^-3 एम्पियर क्या किया ये R1 को कितना लिखा 10^3 लिखा ना तो इधर R1 के जगह पे क्या आएगा 10^3 10^3 को ऊपर लेंगे तो 10^-3 अरे बोलो ना -3 तो इधर I का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 10^-3 का मतलब
किया। चालीस का 10^-3 का मतलब क्या हो जाएगा? मिली एम्पियर। अभी हम लोग को क्या निकालना है बोलो? I2। क्या निकालना है? I2 के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? चलो ऑनलाइन वाले टाइप करो, फॉर्मूला क्या लिखेंगे I2 के लिए? सर 9 वोल्ट कैसे आया? ये देख, इधर 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 तीनों जगह पे वोल्टेज सेम रहेगा, किसके लिए? V अपॉन क्या लिखेंगे बोलो? अरे बोलो ना, V अपॉन क्या लिखेंगे? R2। V अपॉन R2। तो V का वैल्यू कितना है? अरे V का वैल्यू कितना है? 9। R2 का वैल्यू कितना है बोलो? 2×10^3। तो ये 9 अपॉन 2 कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 4.5×10^-3 एम्पियर। इधर क्या लिखा? चलो अभी देखो, पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या कॉन्सेप्ट है? चलो क्या पढ़ेंगे बोलो? अभी कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलो तो हाँ, सब लोग शांति के साथ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है वो सबसे पहले मैं बताता हूँ। अभी देखो, ये रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। कोई भी मान लो कि ये कंडक्टर है, ये क्या है बोलो? कंडक्टर। ये कंडक्टर है यानी कि वायर। अब एक छोटा वायर मैंने ड्रॉ किया तो आपको दिखेगा नहीं,
इसके लिए मैंने क्या किया, उसका थोड़ा सा एम्पलीफाई करके बड़ा वायर बनाया है, ओके। और ये जो वायर है, ये वायर का ये वाला पार्ट क्या होता है बोलो, विच एरिया? अरे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन। अरे बोलो ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। ए का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि सपोज ये जो पेन है, इस पेन का ये वाला क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये क्या है, ये क्या आएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, और एल का मतलब क्या आएगा बोलो बेटा, एल का मतलब क्या आने वाला है बोलो बेटा, एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या आएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इधर भी आप लोग देखेंगे तो, अरे बेटा प्लीज इधर देखो, तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, इसका क्या आएगा, रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ के हिसाब से। अभी देखो, लेंथ बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा, मैंने क्या बोला समझ में आया, लेंथ बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई के कारण और इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्टेकल आएगा। समझा कि नहीं, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अरे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोजिशन। इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा, ज्यादा लेंथ के कारण ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। समझ में आया, यानी कि लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा बोलो, लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है, एक बार फिर से, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके। तो इधर क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अबे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। अभी दरवाजा छोटा है, लेक्चर छूटेगा तो सबको जाने की घाई रहती है, बराबर है ना, क्यों, दरवाजा छोटा है। अपोजिशन क्या होगा, अपोजिशन क्या होगा, ज्यादा। दरवाजा छोटा है, अपोजिशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि देखो अपोजिशन हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, क्यों रेजिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि एरिया छोटा है। रेजिस्टेंस बढ़ गया, जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई, क्यों, क्योंकि एरिया छोटा है, भीड़ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया, किसके कारण, एरिया के कारण। समझाया कि नहीं, अभी देखो ये दरवाजा को तोड़ दिया और ये पूरे दीवार को दरवाजा बनाया, तो क्या कम किया बोलो, रेजिस्टेंस कम किया, सब लोग निकल रहे, बराबर है ना, क्यों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, पूरे दरवाजा बनाया, वॉल को दरवाजा बनाया, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, क्या कम हो गया, रेजिस्टेंस। कोई भी तब भी उठ के जा सकता है, क्लियर हो गया कि नहीं बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है, ले, वैसे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इधर क्या लेना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट एल बाय क्या लेना पड़ेगा, ए। इधर रो का मतलब क्या होता है बोलो, रो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रो, स्पेसिफिक बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसको
इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं और एज वेल एज क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट और स्पेसिफिक। क्लियर हो गया? चलो बेटा, तो इधर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। चलो छापो, मैं बताता हूँ, पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इधर लिखता हूँ स्टेटमेंट, वो ऑनलाइन में कपड़ा होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड inversely proportional to area of cross section लिख के हो गया। जा रहे हो?
तो आज का लेक्चर इधर ही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, सब लोग अच्छे से रहना, घर पे रहना, और नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ के आना, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ।